नमस्कार, आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे साउथ वेस्ट के टॉयलेट को रिलोकेट करने से रिश्तों में फिर से एक बार प्यार बरकरार हो गया। मेरे पड़ोसी शालिनी जी ने मुझसे एक दिन पूछा, प्रीति आप तो वास्तु करते हो ना, क्या आप मेरी समस्या का कुछ मदद कर सकते हो? मैंने कहा, जी भाभी जरूर, बताए क्या हुआ? उन्होंने कहा, प्रीति जब से मैं इस घर में आई हूँ हर दिन दिमाग खराब सा रहता है, हर दिन लड़ाई आपस में, मेरी मेरे सास के साथ बिल्कुल नहीं बनती, एंड अब तो ऐसा हो गया कि एक साथ एक छत के नीचे रहना भी मुश्किल हो रहा है। हस्बैंड भी इससे बहुत परेशान रहते हैं। घर भी काफी पुराना हो गया है तो रेनोवेट भी करना है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में इतना सब कुछ कैसे मैनेज हो पाएगा। आप प्लीज एक बार चल के देखिए। मैंने कहा, भाभी मैं परसों आती हूँ। महावास्तु में रिलेशनशिप का जोन है साउथ वेस्ट। परसों उनके घर पे जब मैंने विजिट किया तो पाया कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट थे और नॉर्थ ईस्ट के पूजा घर में लाल बल्ब, वहां दीवारों पर भी लाल रंग हो रखा था। मैंने उनसे पूछा, भाभी घर आप कितने दिन में रेनोवेट करने की सोच रहे हैं? उन्होंने कहा, जितनी जल्दी हो सके। बस क्या था, हमने उनके साउथ वेस्ट के टॉयलेट को साउथ साउथ वेस्ट में शिफ्ट करवा दिया, नॉर्थ ईस्ट से लाल बल्ब हटवा के व्हाइट करवा दिया और रेड पेंट तो चेंज करवा के व्हाइट करवा दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोटिस की वो थी कि उनके पितरों की फोटोज नॉर्थ ईस्ट के पूजा घर के साउथ वॉल में लगाकर रखा था। पितरों और देवता साथ नहीं बैठते, ये हमें केबी ने समझाया। पितरों का स्थान साउथ वेस्ट है, उनके पिक्चर्स को वहां शिफ्ट करवाया और साथ ही साथ उनकी एक फैमिली फोटो येलो फ्रेम में वहां लगवा दी। कुछ ही दिन बाद उनका फोन आया, उन्होंने कहा, दीदी थैंक यू सो मच, घर में एक अलग सी शांति है, लड़ाई होना भी बंद हो गया है एंड हम सब बहुत खुश रहने लगे हैं। यदि आप भी इन छोटी छोटी समस्याओं का सलूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख के आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।